तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का हमारे पहले पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मिलवाना चाहूंगा मिस्टर नितिन कुमार से, नितिन कुमार पड़वाल से। ये जाने जाते हैं अपने बेल अंदाज के लिए, और एक बहुत बड़ी संस्था जिसको हम कहते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम, उसके थ्रू जुड़े हुए हैं एंड एजुकेशन भी ली है। तो सर बताइए आप अपने बारे में कुछ हमें। सभी को पहले नमस्कार। संस्था के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, क्या हैसियत मिली, लेकिन जितना बताऊंगा कम ही होगा। तो वैसा है कि उस संस्था ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले मैं सोचता था कि भगवान के बारे में, भगवान है क्या, मांगता था लोगों के पीछे भगवान के बारे में जानना कि वो है क्या। वहाँ पे जाके मेरे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। तो हम दीदी ने बोला था कि 7 दिन के लिए आना, तो वो आज तक हो गया, वो 7 दिन खत्म ही हुए, क्योंकि मुझे लगा कि 7 दिन के बाद मैं खत्म हो जाएगा चैप्टर, लेकिन 7 दिन के बाद वो शुरू होता है स्टार्ट, वो खत्म ही होगा। एक कहते हैं वो एक सागर है, तो सागर के बारे में बता नहीं सकता। तो अभी वही है, मैंने बहुत बार सुना है कि यहाँ पर माउंट आबू करके राजस्थान में जो एक इनका बहुत बड़ा वाला इवेंट होता है, तो आप उसमें भी इतनी बहुत बार जा चुके हैं। वहाँ पे जाके इस संस्था में गॉड के बारे में बताया जाता है कि गॉड बेसिक है क्या, और कैसे जीना है, और दुनिया कहाँ चल रही है, और ये कहाँ जा रहा है। एक चीज मैं आपको पूछूंगा, आपकी जुबान रखूंगा मैं सर, आप मेरे को एक बात बताइए, जो हमारा यूथ है, क्या अगर वो इसमें जाए तो वो अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है? यूथ के बारे में, यूथ के लिए बहुत अच्छा है कि आजकल ये नशे के आदि हो रखे हैं, बहुत सारे नशे हैं जो कर रहे हैं यूथ, लेकिन वो वहाँ पे जाके एक मेडिटेशन के जरिए अपनी लाइफ सुधारी जा सकती है, और अपने परिवार समाज का भला हो सकता है। और एक जो दिनचर्या के बारे में, सुबह कितने बजे उठा देते हैं? एक सुबह 2 बजे, मतलब मान के चलो कि 2 बजे जागे, 2 बजे उठना है, और तब से योग शुरू हो जाता है। अमृत वेला जो जिसको अमृत वेला हम शास्त्र में बोलते हैं, वो 2 बजे शुरू हो जाता है। अच्छा, तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये अमृत वेला रहता है। तो वो क्या करना होता है कि सुबह 2 बजे उठ के हमको नहाना धोना पड़ेगा, या फिर देखिए कि नहाने के क्या 2 बजे भी नहा सकते हैं, लेकिन वो अपने पे डिपेंड करते हैं क्या उसका, तो मतलब दिन 2 बजे शुरू करना है। 2 बजे मतलब अमृत वेला है, भगवान ने कहा है कि 2 बजे अमृत वेला मेरे साथ योग करो, ध्यान लगाओ, मुझ में कनेक्ट करो अपने आप से। बताया गया है कि 2 बजे उठना है, और रात को 9-10 बजे सोना है। 5-6 घंटे की जो नींद है, सर्कल घूमा जाता है। अगर आप उसके हिसाब से चलोगे ना, आप ये नहीं बोल सकते कि आपको नींद सताएगी या नींद का मतलब लगेगा कि दिन में। आप अगर पूरे प्रॉपर उसी टाइम पे करोगे ना, तो आपको नींद मतलब 2 बजे से उठ के पूरा दिन, फिर रात को 8-10 बजे सोना, मतलब ये अगर योग के साथ करोगे या करोगे तो फिर सही रहोगे, लाइफ में सही रहेगी, दिनचर्या सही रहेगी, क्योंकि ऐसे
फिर बाद में मोबाइल देखते हैं, मोबाइल के देखते देखते मतलब एक दो बज जाते हैं ऐसे ही फालतू में। तो अगर हम उसी हिसाब से चले तो एक चीज मैं आपसे कंफर्म करूंगा सर, जैसे कि अभी लोगों ने बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को भी काफी टाइम हो गया है ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए, तो अब जब मैं आम व्यक्ति से मिलता हूँ तो उसमें मेरे को एक बात समझ में आती है कि लोग ना अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, टोटके वगैरह शगैरह, तो आप इस पर क्या पर्दा डालेंगे? कभी आपने ऐसी कोई रूहानी शक्ति का महसूस किया हो या कभी कुछ? क्योंकि जब से मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ मेरे को तो आज तक कभी ऐसी कोई रूहानी शक्ति से जुड़ा महसूस हुआ नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं, बहुत ऐसा कुछ देखा है कि जिसमें लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उन्होंने देखा है वगैरह, तो आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ? देखिए भगवान की बनाई हुई जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो है इस संसार में वो तो है ही, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से जो बताया जाता है कि हम आए हैं इस धरती पे, भगवान ने ये ड्रामा प्ले किया हुआ है, तो ये हम सबका एक ड्रामा है, यहाँ पे हम नाटक करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ नाटक में अपना अपना पार्ट है, तो उस हिसाब से हम इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि हमें भेजा गया है ना कि हम इसका हिस्सा है, हमें भेजा गया है और हमें जाना है, यहाँ से परमानेंट कोई भी नहीं है, तो यहाँ से जाना ही पड़ता है। और जो आत्मा है यहाँ से जिनका मतलब कि वो नहीं होता आगे, उनके लिए जगह नहीं है, अकाल मृत्यु जो जिसको हम बोलते हैं कि अचानक कुछ भी हो गया, तो जिसकी मतलब भगवान के पास जगह नहीं है, वो आत्मा यहाँ पे घूमती है फिरती है, उसका हिसाब किताब जो है वो बैलेंस रह जाता है, तो फिर वो यहाँ पे रुकती है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से वो किसी दूसरे को कनेक्ट में कर लेती है, तो फिर उसके जरिए वो अपना काम करवाती है, क्योंकि शरीर तो उसका छूट गया, तो इसी हिसाब से मतलब मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कभी आपने फील किए नहीं? बड़ी बात है, बड़े किस्से हुए हैं लाइफ में। कोई सर कोई एक ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें? ऐसा हुआ है कि एक बार मैं हॉस्पिटल में गया था कि मेरे बड़े जी का हॉस्पिटल में थे, तो ऑपरेशन थिएटर के बाद हम सोए हुए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सभी सिस्टरें थी सोए हुए, तो बड़ा हाल था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पर्सनली बेड तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बाहर ही ऐसे साइड पे कोने पे हमने बिस्तर लगा लिया, तो ऐसे ही थोड़ा रेस्ट करने लगे और नींद भी आ गई, तो जैसे ही नींद आई तो कुछ आत्माएं जो मेरे साथ कनेक्ट हो गई, ये मैंने बड़ी बार शेयर किए हुए, मैं बड़ी बार बता चुका सबको कि उन आत्माओं ने मुझे ऐसे जकड़ लिया, शायद वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और मुझे मन की आंखों से दिख रही थी कि वो उनके हाथ पैर में पट्टियां बंधी हुई है, और उन्होंने मुझे पांच छह थी उनके चेहरे नहीं दिखे, वैसे ऐसे धुंधले धुंधले साए जिसको हम साया बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आके मुझे जकड़ लिया और एक ने ऐसे करके पकड़ लिया मेरे चेस्ट पे ऐसे जकड़ लिया, और मतलब मैं उठ नहीं पाया, चिल्लाने लगा मैं, बहुत सारा हल्ला करने लगा अंदर ही अंदर, लेकिन उठ नहीं पाया। फिर मैंने सोचा जिसके साथ मैं कनेक्ट था, जिसने परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा हुआ है, तो मैंने उनको याद किया, तो जैसे उनके बारे में बताया गया कि वो आए और एक जो आत्मा थी वो धीरे धीरे जैसे उनकी शक्ति ऐसे इस प्रकार से एक लाइट आई, जैसे हम ट्यूबलाइट जैसे बल्ब की लाइट देखते हैं ना, वो उसके आगे दिखता कुछ नहीं सिर्फ लाइट ही होती है, तो वैसे वो जैसे उनका आना हुआ, तो धीरे धीरे वो एक एक करके ना वो जैसे उनकी किरणें पड़ी उसके ऊपर, तो वो ऐसे ऐसे करके वो भागने लगे, तो शायद उन्होंने कोई हिसाब किताब था या क्या पता क्या वजह थी, लेकिन वो जब वो आए तो मैंने उनका धन्यवाद किया कि भगवान आप आए और मेरी रक्षा भी की, और मुझे पता नहीं कैसे माहौल था, हो सकता है ज़्यादा भी वो तकलीफ देते मुझे, लेकिन ये सच्चाई जो मैंने बयान कर दी है कि ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा होता है ना। एक मैं आपसे बात पूछूंगा, आप जितने खुश व्यक्ति हैं, खुश व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो
तो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और जैसे कि हम सब भाई जब इकट्ठे होते हैं तो सबसे प्यारी आवाज भी आपकी ही है। तो सर ये सब चीजें अलग करते हैं, एक मधुर सा गीत हो जाए कोई आपकी आवाज में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जो जो आपकी आवाज है ना सर, वो बड़ी प्यारी आवाज है, हम सब भाइयों के बीच में सबसे प्यारी आवाज आपकी है सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे गुनगुना लेता हूँ, मैं ना तो सीखा हुआ है तो ना वैसे ही गाने का शौक। दो लफ्ज सर, दो लफ्ज प्लीज। तो ऐसे ही थोड़ा गुनगुना लेते हैं, वैसे मैंने ज्यादा ही कुछ बोल दिया, कुछ सुना देते हैं। वैसे पुराना गाना है वो सोनू निगम की आवाज में था, सुनता था मैंने तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, वो तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, आएगी बहारें तो आके तेरी यादें रुलाएगी हमें, रुलाएगी हमें, पाएगी हमें। कभी देखी थी बाबा क्या, कभी हमको प्यार हमें याद रखना, वो तेरी दुनिया से दूर। तो सर मैं आप सबको बता दूं कि जो भाई की आवाज है ये इतनी प्यारी आवाज और इतनी कोमल आवाज है, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मधुर आवाज है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये आवाज के ऊपर काम किया जाए तो फ्यूचर में कुछ हो सकता है क्या? अगर हमारे साथ बहुत बड़े बड़े महाशय जुड़ेंगे तो आप इसका ज्ञान रखते हो तो मुझे कृपया कमेंट में बताएं कि जो ये आवाज है इसके ऊपर काम किया जाए तो कुछ बन सकता है क्या? तो भाई जी बहुत मजा आया आपके साथ बैठ के, ये जो आपने किस्से कहानियां शेयर की हैं, एक वो बात अभी भी मेरे जहन में घूम रही है कि जो हम व्यक्ति हैं जब हम इकट्ठे हुए थे अभी कुछ पीछे ही हमारा शिवरात्रि का एक प्रोग्राम था, तो चार छोटे भाई आपके साथ थे, सारी भाई आपके साथ थे, तो आप मैं तो अपने घर चला गया था, आपने मेरे को बताया था कि सुबह कि भाई तुम होते तो बहुत मजा आता, तो वो जो रात को किस्से कहानी हुई थी वो क्या थी कि सुबह सभी हंस रहे थे, हंसी टोली? वो ऐसा है कि तो बता नहीं सकते उस वक्त मस्ती का माहौल था, क्योंकि जब हम सारे भाई इकट्ठे होते हैं तो फिर मस्ती ऐसे आ जाती है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वैसे जब भी वो टाइम याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। जब भी वो दोबारा हम सोचते कि दोबारा हम इकट्ठे हुए दोबारा वो समय बने तो मजा आता है। वैसे ऐसा है कि वो एक बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको यूट्यूबर है वो कैबिले, हाँ उनके हैं नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन उनका जो जो ये स्टाइल है ना बहुत ये वाला स्टाइल है वो बड़ा फनी है कि एक भाई था जो उनकी जैसे एक्टिंग कर रहा था, बस वो ही देख के हम पूरा दिन रात वो बस लगा कि ये वही है, तो बस उसी को देख के बस सारा ये सिलसिला चलता रहा, बस हंसी का सारी रात ऐसे निकल गई हंसने वाली। तो फिर भाई मैंने आपको याद किया कि भाई तुम भाई क्या बात है, बस हंसी का ये एक बार कह दीजिए जैसे उन्होंने कहा ये मजा आ गया, बस तो अपने इशारे के साथ बात कर लेते हैं, बस वही यही कहा। तो उस भाई को मैं याद कर रहा हूँ, क्या नाम था उसका, हमने उसको देखा लेकिन जो दूसरी बार कर रहा तो ऐसा लग रहा है इसी ने शुरू किया होगा। तो बहुत मजा आया भाई के साथ बैठ के, ये जो 10 मिनट है हमारी लाइफ के कैसे निकल जाते हैं पल, बाद में उनको जब याद करते हैं तो मनोमन बड़ी हंसी आती है। तो
मजा बहुत आया भाई के साथ बैठ के, होप सो आपने भी एंजॉय किया होगा। और ये जो चार पांच बातें आज हुई हैं, ये हमारी वो पुरानी यादें हैं जो हमारे साथ हो चुकी हैं। सपोर्ट रखें अपना, आपको ऐसी वीडियोस बहुत सारी मिलती रहेंगी इन फ्यूचर, आपको ऐसी ऐसी चीज। और आज हमने चार पांच मिली जुली बातें करी, कमेंट में आप मेरे को बताएं कि आपको कौन सी जो बात है वो ज्यादा अच्छी लगी, और आप आगे हमारी वीडियोस किस टॉपिक पे ज्यादा पसंद करें, तो उसी हिसाब से हम आगे अपनी वीडियोस भी कोशिश करें कि उस लहजे में भी बनाई जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में जुड़े रहें। और भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।